तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स एंड बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ के बारे में। तो पहला न्यूज़ आता है ब्लेसिंग आवदेव की तरफ से। ब्लेसिंग कम्पीट करने वाले यूरोपियन स्पेन प्रो में, बट सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन स्पेन प्रो में ब्लेसिंग अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं। इससे पहले इसी साल मार्च में अर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में कम्पीट करने वाले थे ब्लेसिंग, बट कोरोना की वजह से अर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया को कैंसिल कर दिया गया और ब्लेसिंग हमें स्टेज पर प्रो डेब्यू करते नहीं दिखे। जैसे आप इस वीडियो में रीसेंट वीडियो में देख पा रहे हैं, उसके कैप्शन में लिखा गया था 2 वीक आउट फ्रॉम यूरोपियन स्पेन प्रो, और ब्लेसिंग ने कंफर्म कर दिया कि वो यूरोपियन स्पेन प्रो में कम्पीट करने वाले हैं और 2 वीक्स आउट है। और कुछ और भी लिखते हैं कि आई थिंक आई कैन स्मोक सम ऑफ दिस ड्यूड, मीन्स कुछ बॉडी बिल्डर को जो लाइनअप में है उसे आराम से हरा सकते हैं ब्लेसिंग। और हम फैंस और रेडकॉन से पूछते हैं कि यू गॉट थिंग्स आई कैन बी रेडी, मीन्स रेडी होने की प्रोबेबिलिटी भी हमसे पूछते हैं। जैसे जैसे शो मीन्स यूरोपियन स्पेन प्रो शो जैसे जैसे करीब आता जाएगा, तो बड़े बड़े जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके नाम अनाउंस होते हमें दिखेंगे। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों पिक, जो लेफ्ट वाली पिक है वो अर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया की है टाइम की है, और जो राइट साइड वाली पिक है वो प्रायर टू अर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया मीन्स उसके बाद की है। तो देख सकते हैं फिजिक में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा साइज बाद में प्रायर में थोड़ी ज़्यादा है। और जैसा आप स्क्रीन पर अभी वीडियो देख रहे हैं जिसमें उनकी बैक बहुत ही ज़्यादा वाइड है, जिस वजह से जो इल्यूजन पैदा होता है वेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल दिखती है, बहुत ही बेहतर दिखती है। देखते हैं कि ब्लेसिंग द बुगी मैन क्या करते हैं यूरोपियन स्पेन प्रो में। सेकेंड अपडेट है हैफ थॉर की तरफ से। उन्हें बेबी हुआ है और थॉर बहुत खुश दिख रहे हैं। उनका फोकस अपनी फैमिली की तरफ अभी ज़्यादा होगा। और हैफ थॉर के बेबी का नाम तो मुझे पता नहीं, बट उनका बेबी हुआ था 26 सितंबर 2020 11:19 AM को पैदा होता उनका बेबी। बहुत ही हेल्दी दिख रहा है। और हैफ थॉर के बच्चे के बारे में उन्होंने कुछ और भी लिखा है। उनका वेट अराउंड 3.530 किलोग्राम है, और उनका जो हाइट है उनकी बेबी का, उनका हाइट है 52 सेंटीमीटर। और हमारी गुड विशेस और बाकी सबों की गुड विशेस और गुड लक हैफ थॉर के लिए। थर्ड अपडेट जुड़ी है जूलियस वेंडाउस की तरफ से। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जूलियस बेंच प्रेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी और इंक्रीज कर सके। जूलियस ने पहले ही रॉ बेंच प्रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है अराउंड 349 किलोग्राम के, मतलब 770 पाउंड्स के। और इस वीडियो में जूलियस 675 पाउंड्स के 3 रेप्स लगाते हैं इतने वेट के साथ, वो भी रॉ विदाउट एनी इक्विपमेंट, मीन्स कोई भी इक्विपमेंट नहीं, खाली वो बेल्ट रहती है वेट बेल्ट के साथ। और उनका अल्टीमेट गोल है 800 पाउंड का बेंच प्रेस लगाना और नया बेंच प्रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। देखते हैं जूलियस को सक्सेस मिलती है या नहीं, बट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पर है वो तो रहेगा ही। फोर्थ अपडेट है पैट्रिक मोर की तरफ से। जैसे आप सबको पता है, पैट्रिक ने अनाउंस किया था कि पैट्रिक इस साल के ओलंपिया में कम्पीट नहीं करने वाले, पैट्रिक ऑफ सीजन में जाने वाले हैं। बट क्यों? जैसे आप सभी को पता है, पैट्रिक ने अपना ओलंपिया डेब्यू किया था 2019 मिस्टर ओलंपिया में, और उनकी फिजिक में वो क्लासिक फिजिक वाली लुक और ओपन जैसा साइज था, बट उनके पास इतना साइज नहीं था कि वो टॉप 9 ओलंपिया कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कम्पीट कर पाए। बट सभी मिस्टर ओलंपिया फैंस को पैट्रिक की शेप सिमेट्री बहुत अच्छी लगी, और कुछ फैंस ये भी कह रहे थे कि पैट्रिक मोर की जो प्लेसिंग थी वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी या ऊपर होनी चाहिए थी। लास्ट ईयर तो पैट्रिक ने कैलिफोर्निया प्रो जीतकर क्वालिफाई किया था मिस्टर ओलंपिया के लिए, बट इस साल पैट्रिक को खासी दिक्कत उठानी पड़ी जब पैट्रिक ने अर्नोल्ड ओहायो में कम्पीट किया इस साल के मार्च में, तो उनकी प्लेसिंग 10th आई। बिकॉज जो उस टाइम उनकी फिजिक थी उसमें ना ओलंपिया की कंडीशन प्रेजेंट थी, ना वैसा साइज था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था उनके फिजिक में, ना साइज गेन किया था, कुछ भी नहीं। और उसके बाद कोरोना की वजह से सारे बॉडी बिल्डिंग शो भी कैंसिल हो गए। जब कंडीशन सुधरने लग गई कोरोना की, तो बॉडी बिल्डिंग शो को रीशेड्यूल करवाया गया। तब पैट्रिक ने पहले सितंबर 5 को न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट किया था, बट वहाँ भी उनकी प्लेसिंग 6th आई। जो टॉप 5 कंपेटिटर्स थे उनका साइज, जो बॉडी का फ्रेम था वो ज़्यादा बड़ा था, और कंडीशनिंग ऑन पॉइंट थी, सिर्फ एन वैलरी को छोड़कर जो कि न्यूयॉर्क प्रो के विनर थे, उनकी फिजिक कहीं से कहीं विनर लायक नहीं थी। उसके बाद पैट्रिक मोर ने सितंबर 15 को कैलिफोर्निया प्रो में कम्पीट किया, वहाँ भी उनकी प्लेसिंग 4th आई, और लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बैड लाइटिंग की वजह से पता नहीं चला कि कौन सा कंपेटिटर कंडीशन है और कौन ऑफ कंडीशन था। बट अभी पैट्रिक मोर ने इंस्टाग्राम पर कहा कि वो
12 मंथ्स आउट रहेंगे, कोई भी कॉम्पिटिशन में कम्पीट नहीं करने वाले। उनका करंट वेट है 263 पाउंड्स, और ये 12 मंथ्स के स्पैन में पैट्रिक 20 पाउंड्स ऑफ मसल गेन करना चाहते हैं, वो भी बिना वेस्ट साइज को बढ़ाते हुए, मीन्स 283 पाउंड्स के अराउंड। बट उनका स्टेज वेट क्या होगा ये पता नहीं, नेक्स्ट ईयर देखना होगा कि पैट्रिक ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है और अपनी फिजिक में क्या लाते हैं पैकेज। फिफ्थ अपडेट जुड़ी है निक वॉकर की तरफ से। निक वॉकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था अपना IFBB प्रो कार्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये IFBB प्रो कार्ड निक वॉकर को मिल चुका है NPC नॉर्थ अमेरिकन जीत कर, जिससे वो हर एक IFBB प्रो कॉम्पिटिशन में अभी कम्पीट कर सकते हैं। बट निक वॉकर शिकागो प्रो को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है कि निक लाइनअप के सारे प्रोस को हरा सकते हैं, बट उन्हें ये जानना होगा और सोचना होगा कि NPC लेवल पर कम्पीट करना कुछ अलग बात है और प्रो बॉडी बिल्डर के अगेंस्ट कम्पीट करना कुछ अलग बात है। बट जब वो कम्पीट करेंगे प्रो बॉडी बिल्डर्स के अगेंस्ट, तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी फिजिक में कितने सारे फ्लॉस हैं, क्या किस पर काम करना है, किस में इम्प्रूवमेंट करनी है, साइज़ बढ़ाना है, साइज लूज करना है, फिजिक में सिमेट्री लानी है, प्रोपोर्शन परफेक्ट करने हैं, तभी ही पता चलेगा निक वॉकर को। तो स्पेन प्रो के प्रीव्यू के बारे में बात करते हैं। जो भी कंपेटिटर कम्पीट करने वाले यूरोपियन प्रो या स्पेन प्रो में, उनके अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। पहले अपडेट है रीगन ग्राइम्स की तरफ से। रीगन ग्राइम्स पूरी तरह से कम्प्लीट है और रेडी है यूरोपियन प्रो में कम्पीट करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो स्मॉल वेस्ट प्रोपोर्शन एंड क्लासिक लुक है, बट उनके पास वो साइज़ भी है, ओपन बॉडी बिल्डर जैसा मैस है, इस वजह से उनके पास ग्रेट एडवांटेज है, और वो एग्रेसिव ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इस वजह से उनकी प्लेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उनकी फिजिक्स स्टैंड आउट दिख रही है। और सेकेंड अपडेट है जेम्स हॉलिंग हेड की तरफ से। जिस पिक में आप देख पा रहे हैं उनकी 2 वीक्स आउट वाले पिक है, जिनमें उनका करंट वेट है 272 पाउंड, जिसमें जेम्स फुली डेंस दिख रहे हैं, कंडीशन लग रहे हैं, वेल प्रोपोर्शन है, बट स्टेज पर कैसे दिखेंगे ये पता नहीं, उनकी फिजिक्स तो स्टैंड आउट है। थर्ड अपडेट है राफेल ब्रांडो की तरफ से। राफेल ब्रांडो कम्पीट करने वाले हैं स्पेन प्रो में, बहुत टाइम बाद हमें दिख रहे हैं स्टेज पर, बट देखना होगा कि स्टेज पर वो कैसे दिखेंगे, क्योंकि उनकी फिजिक्स स्टैंड आउट दिख रही है, स्टेज रेडी दिख रही है, बट देखें कि ओलंपिया स्टेज तक पहुँचेंगे राफेल ब्रांडो इस वक्त या नहीं। फोर्थ अपडेट है एंड्रो म्यूजिक की तरफ से। एंड्रो म्यूजिक भी कम्पीट करने वाले यूरोपियन प्रो में, उनकी फिजिक की बात की जाए, उनकी फिजिक थोड़ी बड़ी यूज दिख रही है, वेल प्रोपोर्शन तो पहले से ही थे, पर उन्हें खाली जीतना होगा कोई शो। देखते हैं एंड्रो म्यूजिक पहुँचते हैं ओलंपिया तक यूरोपियन प्रो जीत कर, क्योंकि यूरोपियन प्रो ओपन डिवीजन की लाइनअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, देखते हैं कि क्या करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगले बॉडी बिल्डिंग अपडेट या न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।